हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं और जो हथेली है वो बिल्कुल एक स्क्वायर की शेप बनाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की हथेली की शेप जो एक हार्डवर्किंग नेचर को शो करती है। और दूसरी यहाँ पर जो चीज़ है वो है इनकी फिंगर्स की थिकनेस, काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं फिंगर्स, जो बहुत ही अच्छी एनर्जी और स्टैमिना प्रोवाइड करती हैं। और यहाँ पर कुछ सीधी खड़ी रेखाएँ आपको बहुत ही क्लियर नज़र आ रही होंगी, यहाँ पर जो जिनको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसी सीधी खड़ी रेखाएँ होना फिंगर्स के ऊपर बहुत ही अच्छा माना जाता है, काफ़ी सोबर और फ्रेंडली टाइप की नेचर रहती है व्यक्ति की। और जो गैप्स आपको फिंगर्स के बीच में दिखाई दे रही हैं, जैसे यहाँ से जहाँ से रोशनी पास हो रही है, इस तरह के जो गैप्स हैं इनकी वजह से थोड़ी ज़िद्दी नेचर भी रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर गैप्स नहीं हैं। और अगर हम लेंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं सूर्य फिंगर की लेंथ यहाँ पर ज़्यादा है इनकी बृहस्पति फिंगर से, तो अच्छी क्रिएटिव क्वालिटीज़ रहेंगी। सूर्य माउंट के ऊपर भी सीधी खड़ी रेखा मैं देख पा रहा हूँ, अच्छा नेम एंड फेम रहेगा, क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और अगर लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात की जाए तो यहाँ थोड़ी सी रेखा शॉर्ट हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, तो अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी रहेंगी इनके अंदर। और जो इनकी शनि फिंगर है, सैटर्न फिंगर, जो अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है और काफ़ी थिक है, यहाँ पर इनको काफ़ी हार्ड वर्किंग नेचर का बनाएंगी। मर्करी फिंगर थोड़ी सी टिल्टेड होकर वीक हो रही है, लेकिन लेंथ में यह फिंगर काफ़ी अच्छी, आप देख सकते हैं यहाँ पर कम्प्लीटली सूर्य फिंगर के फर्स्ट फैलेंज तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स रहेंगे, अच्छे बिजनेस स्किल्स भी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। और जो थोड़ी सी लो सेट है और थोड़ी सी टिल्टेशन है, इसकी वजह से यहाँ थोड़ी शाई नेचर और इंट्रोवर्ट टाइप की नेचर इनकी रह सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी फिंगर जो है टिल्टेड हो रही है और यहाँ से थोड़ी सी लो सेट हो रही है बाकी फिंगर्स के मुकाबले। तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर यहाँ पर देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कुछ इस तरह की सेटिंग फिंगर्स की, जिसमें जो बृहस्पति है थोड़ा सा लो सेट हो रहे हैं और जो मरकरी थोड़ा सा लो सेट है, अदरवाइज सूर्य और शनि माउंट्स यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस में नज़र आ रहे हैं, हाई सेट नज़र आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वन बाई वन सभी माउंट्स को चेक करेंगे और उसके बाद हम लाइंस को भी यहाँ पर चेक करेंगे और पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले बृहस्पति माउंट की ही बात कर लेते हैं। तो बृहस्पति माउंट के ऊपर ऊपर की तरफ उठती रेखा यहाँ पर नज़र आ रही है, दो रेखाएँ हैं जिनको हम कहते हैं प्रोग्रेस लाइन्स। तो लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस रहेगी, यहाँ से हल्की ऊपर की तरफ उठती रेखा और दो रेखाएं यहाँ पर प्रोग्रेस की नज़र आ रही हैं। लाइन ऑफ सिंपथी काफ़ी क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो इस तरह की रेखा है, यह रेखाएं एक से ज़्यादा हो तो मल्टीपल सोर्सेस हो सकते हैं व्यक्ति के इनकम के। तो यहाँ पर दो रेखाएं और ये रेखाएं, इनको हम लाइन ऑफ सिंपथी भी कहते हैं, सिंपथेटिक टाइप की नेचर रहती है और जितनी ज़्यादा यहाँ पर आड़ी रेखाएँ होती हैं तो उतने सोर्सेस ऑफ इनकम व्यक्ति के हो सकते हैं। ट्राई रिडल यानी कि अपैक्स देखा जाए तो हाई सेट है, थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पर इनका अपैक्स बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको हम फिंगरप्रिंट से जो त्रिकोण बनता है, अगर यह बिल्कुल सेंटर में बने तो जो माउंट है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ज़्यादा लाभ देता है। यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्टेड दिखाई दे रहा है। ओवरऑल यहाँ पर बृहस्पति एवरेज रिजल्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है लेकिन फिर भी अच्छे रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट इनको मिलने वाले हैं। आगे देख सकते हैं इनका शनि माउंट, तो शनि यहाँ पर थोड़ा सा दबा हुआ दिखाई दे रहा है माउंट, और शनि माउंट के ऊपर जो शनि रेखा पहुँच रही है उसको भी एक हर्डल लाइन काटती हुई निकल रही है, कुछ इस तरह से इनकी शनि रेखा चलती है। दोबारा से ड्रॉ करना चाहूँगा एक बार, अब देख सकते हैं शनि रेखा जो इनकी है चंद्र एरिया से, और यहाँ पर यह इंडिकेशन देती है फौरन से इनकम
अगर चंद्रमा के एरिया से शनि रेखा चले कुछ इस तरह की, तो विदेश से इनकम के चांसेस रहते हैं, और यह जो एरिया है नीचे वाला या चंद्रमा का एरिया है, और ऐसे व्यक्ति खुद भी मल्टीपल टाइम्स ट्रैवल कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज, और किसी न किसी तरह से इनकी इनकम का जो रिलेशन है वो किसी फॉरेन कंट्री के साथ हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। बाहरी सपोर्ट के लिए भी इस लाइन को जाना जाता है। जब भी चंद्रमा के एरिया से फेट लाइन चलकर शनि माउंट की तरफ बढ़े तो बाहरी सपोर्ट रहती है, क्लाइंट्स की तरफ से सपोर्ट रहती है, और इवन वाइफ की तरफ से यानी कि स्पाउस की तरफ से भी अच्छी सपोर्ट व्यक्ति को मिलती है। तो यहाँ पर यह एक पॉजिटिव चिन्ह है, और किसी लाइन का इसको काटना यहाँ पर थोड़ी सी हर्डल्स को बढ़ाता है। तो शनि रेखा काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 34 से लेकर 36 तक की एज तक यहाँ पर थोड़ी स्ट्रगल दिखाई दे रही है, क्योंकि इन एजेस में यह लाइन यहाँ पर आकर बिल्कुल डिसअपियर होती हुई दिखाई दे रही है, गायब होती हुई दिखाई दे रही है। तो यह जो 2 साल रहेंगे लाइफ के थोड़े से स्ट्रगल भरे रहेंगे, उसके बाद 36 की एज के बाद काफ़ी अच्छी लाइन का ऊपर की तरफ बढ़ना दोबारा फाइनेंसिस को स्ट्रांग करेगा। आगे आप देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट। तो सूर्य माउंट के ऊपर आप देखिए तो त्रिकोण बिल्कुल क्लियर एक त्रिकोण बनता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्टेड है, लेकिन इसका बेनिफिट तो व्यक्ति को ज़रूर मिलता है। गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर जॉब के लिए ट्राई करें तो उसमें भी लाभ मिलता है इस तरह का त्रिकोण होने की वजह से, और साथ साथ एक अच्छी डीप सूर्य रेखा का होना व्यक्ति को नेम एंड फेम दिलवाता है। तो यहाँ पर सूर्य रेखा जो है हार्ट की लाइन से ऊपर से शुरू होती दिखाई दे रही, जिसकी वजह से जो नेम एंड फेम है वो तो ओल्ड एज में जाकर ही मिलेगा, क्योंकि अगर यह लाइन बहुत लंबाई में हो, यहाँ से हम इसको 36 के अराउंड एज काउंट करना शुरू करते हैं, अगर यहाँ से रेखा शुरू हो तो यंग एज में, लेकिन ऊपर से रेखा शुरू हो तो ओल्ड एज में चलकर नेम एंड फेम मिलने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी सूर्य रेखा और एक अच्छा त्रिकोण का चिन्ह यहाँ पर बनना इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। किसी न किसी इस तरह के बिजनेस में भी जा सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो, और गवर्नमेंट की तरफ से इनको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं मरकरी। तो मरकरी माउंट उभरा हुआ है, थोड़ा सा लो सेट है, जो इनकी नेचर को थोड़ा सा शाई कर सकता है, लेकिन बिजनेस एक्यूमन में यहाँ पर कोई भी कमी मुझे नज़र नहीं आ रही। काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमन इनका रहना चाहिए, क्योंकि लंबी मरकरी की लाइन और साथ ही साथ काफ़ी सारी खड़ी रेखाएं यहाँ पर होना व्यक्ति को बिजनेस में एक्सपर्ट बनाता है, बिजनेस माइंडेड पर्सनैलिटी रहती है। और जब भी किसी व्यक्ति की माइंड लाइन से निकलकर कोई ब्रांच मरकरी की तरफ आगे बढ़े तो वो व्यक्ति काफ़ी क्लेवर रहते हैं बिजनेस के मामले में। तो यहाँ पर मरकरी लाइंस का होना और काफ़ी सारी सीधी रेखाएं मरकरी माउंट के ऊपर होना इनको एक परफेक्ट बिजनेसमैन बना सकती हैं। तो यहाँ पर यह एक बेनिफिशियल चिन्ह है इनके लिए। और अगर हम मनी ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस एरिया में जो लाइन है यहाँ पर इनकी फेट लाइन यहाँ पर थोड़ी सी खुली हुई है, जिसकी वजह से एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो पा रहा, अदरवाइज एक अच्छा मनी ट्रायंगल बन रहा है जो यहाँ पर अत्यधिक खर्चों की तरफ भी इशारा करता है। काफ़ी ज़्यादा खर्चीले ये रह सकते हैं, जो मनी ट्रायंगल का खुला होना शो करता है कि जिस स्पीड से पैसा आता है उसी स्पीड से उसका खर्चा भी होता रहता है। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ में रह सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट की लाइन है, हार्ट की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी को शो करती है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी ब्रांचेस डाउनवर्ड ऑफशूट्स जिसको हम कहते हैं वो दिखाई दे रहे हैं, कुछ इस तरह के डाउनवर्ड ऑफशूट्स जो मल्टीपल टाइम्स इनको सेटबैक्स दे सकते हैं। और इस तरह के डाउनवर्ड ऑफशूट्स होना डिजायरेबल नहीं होता जिनके भी हाथ में, जो तो ऐसे व्यक्ति इमोशनल हो जाते हैं एट टाइम्स। अगर तो लाइन भी पूरी तरह से आगे बढ़कर ऊपर की तरफ मुड़ जाए और यहाँ पर डाउनवर्ड ऑफशूट्स हो तो व्यक्ति सारी उम्र इमोशनल रहता, लेकिन यहाँ इनके केस में यह हमेशा इमोशनल तो नहीं रहेंगे, लेकिन एट टाइम्स या बीच बीच में इमोशनल होंगे, और वो इनको थोड़ा सा
प्रभावित भी रखेगा, जो इमोशंस हैं उसकी वजह से थोड़े बहुत यहाँ पर लाइफ में डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं इनकी ओवर इमोशंस होने की वजह से। और यहाँ पर एक आइलैंड का बनना 60s की एज में हेल्थ रिलेटेड इशू इनको दे सकता है, हार्ट से रिलेटेड। अदरवाइज ऊपर की तरफ चलने वाली ब्रांचेस यहाँ पर मरकरी के पास शो करती हैं रोमांटिक नेचर को, कुछ कहीं ना कहीं हद तक थोड़ी फ्लर्टी नेचर को भी। ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर हार्ट की लाइन में नहीं है, थोड़ा सा हार्ट की हेल्थ का इन्हें ध्यान रखना चाहिए। और माइंड की लाइन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं माइंड की लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में और बिल्कुल सीधी एक शार्प माइंड की तरफ इशारा करती है। और जो भी स्ट्रेस लाइंस यहाँ पर काट रही हैं इनकी लाइफ लाइन को और टच कर रही हैं माइंड की लाइन को यहाँ तक, तो यह लाइंस इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे सकती हैं। मानसिक तनाव जैसी बहुत ज़्यादा माइंड अफ्लिक्टेड नहीं है माइंड की लाइन, एक लंबी माइंड की लाइन शार्प मेमोरी की तरफ भी इशारा करती है, काफ़ी तेज़ दिमाग इनका रहने वाला है। लेकिन अगर हम लाइफ लाइन को यहाँ पर देखें तो लाइफ लाइन के ऊपर काफ़ी स्ट्रगल शो हो रही है, काफ़ी स्ट्रेस लाइंस शो हो रही हैं। आप देख सकते हैं मल्टीपल स्ट्रेस की लाइंस यहाँ पर इनकी लाइफ को डिस्टर्ब करती हुई एट डिफरेंट एजेस। यहाँ पर अगर आप देखें तो 25 से पहले कम है, लेकिन उस एज के बाद आगे काफ़ी सारी स्ट्रेस की लाइंस हैं जो इनको एट टाइम्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी रह सकते हैं इस तरह की वीक लाइफ की लाइन होने की वजह से। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर 45 के बाद की एज से ही जो इम्प्रूवमेंट है शुरू हो रही है और आगे की लाइफ इनकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और एक ब्रांच का पूरी तरह से बाहर निकलकर चंद्रमा पर पहुंचना, यहाँ पर विदेश यात्रा और फॉरेन में लंबे समय के लिए स्टे को दर्शाता है, लंबा समय किसी विदेश में किसी और कंट्री में जाकर रह सकते हैं या घर से दूर कहीं पर भी जाकर लंबा समय ये स्टे कर सकते हैं, कुछ इस तरह की यहाँ पर चिन्ह बनता हुआ। और लेकिन परमानेंट सेटलमेंट तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि इनकी लाइफ की लाइन खुद ब खुद अंदर की तरफ दोबारा मुड़ती हुई और एक ब्रांच को, एक ऑफशूट को बाहर चंद्रमा एरिया तक भेजती हुई, जो यहाँ पर शो करती है लंबा समय स्टे विदेश में। और उसके अलावा और जो यहाँ से चलने वाली लाइंस हैं यह भी फॉरेन ट्रैवलिंग को शो करती हैं, विदेश यात्राएं लाइफ में कई बार इनको करनी पड़ सकती हैं। वरी लाइंस भी मौजूद हैं, स्ट्रेस लाइंस भी हमने देखी, तो लाइफ में कुछ फालतू की चिंताएं भी इनको यहाँ पर डिस्टर्ब करती हुई नज़र आ रही हैं। शुक्र एरिया के ऊपर इस तरह की लाइंस का होना कहीं ना कहीं वरीज को बढ़ाता है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि इनका अगर कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।